राजधानी रांची में मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले तपोवन मंदिर के पास एक के बाद एक दो बड़े हादसे हुए। पहले हादसे में साउंड सिस्टम का वजनी भारी पूरा का पूरा स्टैंड जमीन पर आ गिरा। इसमें 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रामन रमी के दिन दोपहर से पहले खिली खिली धूप के बाद मौसम ने करवट बदली। मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हुई। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। तेज आंधी चलने के कारण रांची के तपोवन मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। आंधी की वजह से साउंड सिस्टम गिर गया जिससे 4 लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया है। हादसे के पहले छत परिसर में लाइव प्रसारण के लिए लगा बड़ा LED सिस्टम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा जिसमें 2 और लोग घायल हो गए। तपोवन मंदिर के पास हुए हादसे ने प्रशासन की मुस्तैदी पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दोपहर 1 बजे से प्रशासन सिर्फ बाइक कार मोटरसाइकिल को नियंत्रण करने में जुटा था। घटना के बाद तपोवन मंदिर के पास सन्नाटा पसर गया है। प्रशासन ने इस घटना के लिए है आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की बात कही। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।